नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा आपके लिए लियो का ईयरली हॉरोस्कोप, 2020 का ईयरली हॉरोस्कोप रिपोर्ट। लियो आपका सिंह राशि, आपका लग्न है। सिंह राशि आपकी चंद्र राशि है। सिंह राशि यानी कि लियो आपका लग्न होगा तब भी ये रिपोर्ट आप पे अप्लाई होगी। सिंह आपकी चंद्र राशि है तब भी ये पूरी रिपोर्ट आप पे इम्प्लीमेंट होगी। ये आप पे, आप किस तरह से इसको देख रहे हैं। इंट्रोडक्टरी ईयरली हॉरोस्कोप रिपोर्ट लियो के लिए 2021 के लिए। सबसे पहले शनि का इफेक्ट क्या होगा। शनि की पोजीशन छठे घर में, बहुत सारे ऑब्स्टिकल से गुजरना पड़ेगा शनि के लिए 2021 के लिए लियो। और हर काम में रुकावट होगी, हार्डशिप बहुत होगी, स्ट्रगलफुल सिचुएशंस होगी। आपका स्ट्रगल ही स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट ठप हो सकते हैं, रह के धरे रह जाएंगे, खर्चे बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें। और ये जो पूरा टाइम है, पर्सनल हैप्पीनेस के बार नहीं होगी, खर्चे बढ़ चढ़ के होंगे, सोच से ज़्यादा होंगे। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। लीगल इश्यूज़, फाइन पेनल्टी पनिशमेंट से बच के रहें। अपने और अपने जीवन साथी के बीच में दुश्मनी पैदा ना करें। अपने और अपने पार्टनर के बीच में दुश्मनियाँ पैदा ना करें। डिफरेंस ओपिनियन हो तो उसको डिजॉल्व करें। अगर आप सिंगल हैं, शादी की बात चल सकती है, लेकिन शादी होगी नहीं, बहुत मुश्किल से शादी होगी अगर होगी तो। लड़ाई झगड़ों से बच के रहें, एक्सीडेंट से बच के रहें। बृहस्पति का गोचर छठे भाव में, ये जो पूरा टाइम पीरियड है इसमें लड़ाई झगड़ों से दूर रहें। पारिवारिक ज़िंदगी के अंदर लड़ाई झगड़ा ना लेके आए, किसी के साथ शत्रुता पैदा ना करें और फिजूल की दुश्मनियाँ पैदा ना करें। और हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। और इस समय अपने आप को एक बेचैनी बहुत होगी, फिजूल की बातों में अपने आप को ना उलझाएं। और ये जो टाइम पीरियड है, हार्ड वर्क जितना करेंगे उतनी तरक्की होगी। फाइनेंशियल लॉस से बच के रहें, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी से बच के रहें। अपने आप को फिजूल बातों में ना लगें, चोरों ठगों से बच के रहें। अगर आप एम्प्लॉयड भी हैं, अच्छी रैपट बना के रखें। और ये मेरा ये भी मानना है कि इस समय कोई चीज़ नई चीज़ की शुरुआत ना करें। आपका रिलेशनशिप आपके जीवन साथी के साथ, उसको बहुत ध्यान से रखें। कोई लड़ाई झगड़ा पैदा ना होने दें, लड़ाई झगड़ों से दूर रखें, लिटिगेशन से बच के रहें। राहु की पोजीशन दशम भाव में लियो के लिए, राहु दशम भाव में आएगा, नई जॉब अपॉर्चुनिटी दे सकता है, तरक्की देगा, फॉरन में लेके जाएगा, फॉरनर्स लोगों के साथ मिलवाएगा, नए एवेन्यू, नए इन्वेस्टमेंट, नए प्रॉफिट और वेंचर आपको मिलेंगे। माँ बाप की हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें। ये टाइम पीरियड आपके किस रोमांसेस भी डेवलप होंगे, नए लोगों से मुलाकातें होंगी, तरक्की के नए साधन मिलेंगे, रिजल्ट मिक्स होंगे, लेकिन फिर भी बड़ा विचार करके चलना होगा। केतु का गोचर चौथे भाव में, केतु चौथे भाव में होगा, पीस ऑफ माइंड नहीं होगी, हेल्थ के इश्यूज बहुत होंगे, बहुत ज़्यादा बलगम की इन्फेक्शन बहुत सारी होंगी, लंग प्रॉब्लम्स बहुत होंगी, चेस्ट इन्फेक्शन बहुत होगी, रातों की नींद हराम होगी, आपका कंसंट्रेशन, आपकी आपका फोकस कई बार नहीं होगा, हर काम में बेचैनी बेचैनी होगी, सक्सेस नहीं मिलेगी। फाइनेंशियल टाइम पीरियड बहुत टफ होगा। लड़ाई झगड़ों में अपने आप को ना लेके आए और ऐसी कोई चीज़ ना करें जो गलत हो। लैंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को बहुत वाइजली हैंडल करें, विचार करके करें। लियो 2021 के अंदर जनरल ओवरव्यू, ये जो पूरा साल है, पैसे आप कमा पाएंगे, धन संपदा बनाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्डवर्क के बाद, बहुत ज़्यादा फोकस के बाद। हर अथॉरिटी की सपोर्ट मिलेगी, लेकिन बहुत एक्टिव होने के बाद जो चाहेंगे आप हासिल कर लेंगे। घर भी, प्रॉपर्टी पे भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे, लैंड भी अचीव करेंगे, लेकिन खर्चे भी बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन अपने आप को एक्सीडेंट से बचा के रखें। घरेलू ज़िंदगी में तूफान लेके ना आए, लोगों के साथ लड़ाई झगड़े ना करें। कई जगहों पर डिस्ट्रेस होंगे, डिस्टर्ब्ड होंगे, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा हर अथॉरिटी की सपोर्ट मिलती रहेगी। लोगों से पंगे वंगे ना लें, अपनी कॉमन सेंस, प्रैक्टिकल विजडम, इंटेलिजेंस का प्रयोग करेंगे। फोकस अपना खराब ना करें। अगर आप स्टूडेंट हैं, अपने फोकस को खराब ना करें, कंसंट्रेशन अपनी ठीक रखें। शत्रु बढ़ जाएंगे, अपनी व्यवहार में मिठास लेके आए, ईगो और पागलपन नहीं। जितना आप लड़ाई झगड़ा बड़ा करते जाएंगे वो उतना बढ़ जाएगा, उतनी आपकी टेंशन भी बढ़ेगी। पेट का बहुत ध्यान रखें, पीस ऑफ माइंड कई बार नहीं होगी। सक्सेस आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ा आपको संयम से काम लेना है। मन की इच्छाएं पूरी होंगी, बहुत डिटर्मिनेशन ड्राइव से काम लेना है। धन संपदा आपको मिल जाएगी, लेकिन बहुत फोकस और डिसिप्लिन के साथ। ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत मिलेगी। ये पूरे साल की रिपोर्ट अगर आप लेना चाहते हैं, लेकिन हर चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं पूरा थॉरली, हेल्थ कैसी होगी, मैरिज कैसी होगी,
करियर कैसा होगा, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कैसी होगी, पूरा साल का क्या मिलेगा इसमें, पूरे साल के अंदर हर ग्रह के गोचर का फल क्या होगा, चाहे वो शनि है, बृहस्पति है, राहु केतु है, उनके उपाय क्या हैं, क्या इस साल के सारे लकी पॉइंट्स क्या हैं, साल के उपाय क्या हैं, क्या आपको नहीं करना, कौन सी मंत्र साधना आपको करनी है। अगर पूरी तौर रिपोर्ट चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाएँ, अपनी पूरे साल की रिपोर्ट लें, ईयरली हॉरोस्कोप रिपोर्ट लें, उसको इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट।